स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न का वेरिएशन है, वेस्टर्न अप टू वेस्टर्न मेस्सी, ऐसे अलग अलग वेरिएशन आज हम सीखेंगे। मिडल सेक्शन, साइड सेक्शन देना है तो भी आपको स्टार्टिंग मिडल सेक्शन से ही करना है। मिडल सेक्शन ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग कर दो, ठीक है। यहां से हमने सेक्शन अलग किया। फिर वेस्टर्न में एक ये होता है कि आपका पफ पार्ट नहीं होता है, सिर्फ फ्रंट और बैक सेक्शन होता है। तो आपका जो पफ सेक्शन है वो यहाँ पे टोटली स्किप हो जाएगा। अब वेस्टर्न मतलब हाई और लो, दो चीजें होती है। जिनका फेस छोटा है, हाइट क्रिएट करनी है, उनको आप हाई दे सकते हो। ऑलरेडी फेस लंबा है, अगर मैं उनको हाइट दूंगी तो क्या होगा, फेस और लंबा होगा, उनके फेस पे सूट नहीं होगा। अभी इनका फेस जज करते हैं। सबसे पहले इनके फेस लंबा है और फॉरहेड भी बड़ा है, हाइट में ज्यादा नहीं दे सकती, मिनिमम हाइट में वर्क करना है। तो वेस्टर्न के लिए पहले मैंने मिडल सेक्शन लिया, ईयर टू ईयर सेक्शन में डिवाइड कर दिया, राइट। फिर अभी ये सेक्शन में पफ नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी बाल बचे हैं सबको हम हाई पोनी करेंगे। हाई पोनी हाइट देनी है तो आपकी हाई पोनी टॉप ऑफ दी हेड होगी। अगर हाइट नहीं देनी है तो आपकी पोनी अराउंड 4 to 2 ऊपर से 7 फिंगर छोड़ के, मतलब आपका जजमेंट अगर मैं आपको दू तो जहां से आपका ईयर सेक्शन है वहां से सी सेक्शन बना के यहाँ पे आपकी हाइट होगी। मतलब ये आपकी हाइट यहाँ पे होगी, तो क्लाइंट के हेयर यहाँ से यहाँ पे, मतलब आगे की तरफ उनका हाइट नहीं जाएगा, बराबर। मतलब जहां से इनका हेड टर्न हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपका पोनी आना चाहिए, ताकि ये वेरिएशन आगे कैसे फ्लैट है, आगे दिखे ज्यादा नहीं। यहाँ पे किया तो कैसे हाइट पे है, उनके हेड के टॉप पे है, मतलब ऑब्वियसली आगे से विजिबल होगा तो हाइट क्रिएट हो जाएगी। दो अलग अलग चीजें, हाइट क्रिएट करना नहीं करना हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर से स्पेशली क्लाइंट के फेस के ऊपर, राइट। फिर अगर यहाँ पे और एक फायदा ये होता है, आपके पास हेयर क्रिम्पिंग का टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, उनके ओरिजिनल हेयर को आप इस तरह से अंदर डाल दोगे, पोनी बनाओगे, इसका बन बना के अंदर डाल दोगे, इसी के साथ में जब भी हम पोनी बनाएंगे, ये मेरी क्रिम की हुई पोनी है, इसका मैं ऊपर वेरिएशन के लिए यूज कर सकती हूँ, इसको मैं इस तरह से टर्न करके अंदर पहले ही पोनी डालूंगी। तो यहाँ पे हम रबर बैंड बांध लेंगे, ये वाले बाल जो मेरे ऑलरेडी क्रीम वाले बाल है इसको आगे रख दूंगी, इसका बैक कॉमिंग से बन बना दूंगी और उसी के ऊपर वेरिएशन के लिए ये वाले बाल यूज करूंगी। तो आपका क्रिम्पिंग का टाइम कितना बचा, पूरे बालों को क्रिम करने का टाइम बच गया। अगर वन लेंथ नहीं है, शॉर्ट हेयर है, तो भी आप उनके बालों को अंदर डाल सकते हो, सिर्फ फ्रंट सेक्शन को आपको क्रिम करना पड़ा, मतलब द सेक्शन ऑफ द क्रिम्पिंग दिस मच। अगर आपको और भी टाइम बचाना है तो इस तरह से आप ब्रेड हेयर से रेडी करके जाओ, सीधा सीधा इनका बन बन गया, उसके ऊपर आप सीधा सीधा ये अटैच करते जाओ, 1 2 3 4 5, तो भी आपका टाइम बच गया, वेरिएशन रेडी है, सीधा सीधा सिर्फ अटैचमेंट का पार्ट हुआ। ये हमने ब्रेड कर्ल सीखी थी, वही ब्रेड का बनाया हुआ छोटा छोटा है, कल हमने बड़े बड़े सेक्शन में लिया, ये मैंने एकदम स्मॉल स्मॉल सेक्शन में बना के रखा है। ये सारे क्विक वाले ऑप्शन है, और आपको इनके हेयर का क्रिएशन करना है तो आपको हेयर को, फुल हेयर को आपको क्रीम करना पड़ेगा। फिर हेयर क्रीम के लिए प्रॉपर, जिसे हम बन के लिए प्रॉपर एक एक सेक्शन को परफेक्ट बनाते हैं, एकदम एक भी बेबी हेयर नहीं, वैसे हेयर चाहिए, यहाँ से भी उड़ते हैं वहां से उड़ते हैं, और रबर बैंड डाल दिया, फिर स्प्रे कर करके चिपकाओगे तो नहीं चलेगा, फिनिशिंग आपकी जैसी चाहिए वैसी नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे
हार्ड स्प्रे, एक एक हेयर को परफेक्टली सी, जैसे मैं कोम कर रही हूँ, सी यहाँ पे मैंने कोम किया और ये पार्ट और ये पार्ट में कितना फर्क है, अभी यहाँ पे भी कोम किया, सी द लेवल ऑफ फिनिशिंग द स्टार्ट फ्रॉम द हेयर स्टाइल, यहाँ पे हुआ ये मैंने ऊपर ले लिया, सी नीचे की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट, अभी बारी आती है ऊपर की फिनिशिंग लेयर की। वेस्टर्न वेरिएशन कैसा है, पूरा वेरिएशन आपका दिख के आता है, किधर लिया मैंने, यहाँ पे न ज्यादा आगे न ज्यादा पीछे, परफेक्ट मिडल सेक्शन, यहाँ पे ब्लैक डबल रबर बैंड, पोनी आपकी एकदम मिडल सेक्शन में होनी चाहिए, अब ये पोनी को तुरंत नीचे नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे छोड़ोगे वैसे बाउंस आ जाएगा, आपको पोनी को ऊपर पकड़ के रखना है, यहाँ से टाइट करेंगे, यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बिग साइज बॉबी पिन, बड़ी बॉबी पिन लेनी है और यहाँ पे इसको एग्जैक्ट रबर बैंड के नीचे पिन कर देंगे, और यहाँ पे नीचे आपको, अभी मैं इनके बालों को यूज करने वाली हूँ वेरिएशन के लिए, तो इनके बालों को मैं अंदर नहीं डालूंगी, तो मैं क्या करूंगी आर्टिफिशियल स्टफिंग लेके स्टफिंग का प्लेसमेंट करूंगी, यहाँ पे सी यहाँ पे, अभी यहाँ पे इतना बड़ा साइज चाहिए स्टफिंग का, तो अगर मैं इतना लूंगी तो ये इतना सा दिखेगा वेरिएशन, नीचे का पार्ट ब्लैंक दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम साइज इतना बड़ा बट राउंड ओवल ऐसा, जो यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करके यहाँ से आपका स्टफिंग यहाँ तक का, मतलब सी देखो परफेक्ट, यहाँ पे इनके नेक एरिया पे भी मैंने बराबर कवर किया, ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक भी कवर हुआ, नीचे तक भी कवर हुआ, तो ये साइज का आपका प्रॉपर बनाया हुआ या रेडीमेड, ये साइज का आपको बड़े साइज का राउंड शेप का लेना है, यहाँ पे हम इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है इसको पहले यहाँ पे लॉक कर देते हैं, अगर कभी कभी क्या होता है क्लाइंट के हेयर के वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इतने वॉल्यूम आपको यूज नहीं करने होते हैं, तो क्या कर सकते हो उन्हीं के बालों को आधा करके बैक कॉम्बिंग से बन बनाओ और आधे बालों को वेरिएशन के लिए यूज करो, ये जो बोला मैंने क्या होता है अभी इनका वॉल्यूम अच्छा खासा है, कभी मेरे पास स्टफिंग नहीं है, एक्सटेंशन भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी इसी बाल को आधा कर दूंगी, ये बालों को मैंने आधा किया, ये आधे बालों को वेरिएशन के लिए यूज करूंगी और ये आधे बालों को बैक कॉम्बिंग करके बन बनाने के यूज करूंगी, तो इनके ही बालों का मेरा वेरिएशन भी हो गया, इनके ही बालों का मेरा स्टफिंग बन गया, तो स्टफिंग बनाया है यहाँ पे तो बैक क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये वेरिएशन करना है तो सिर्फ इतने बालों को आप फिर आगे की तरफ लेके क्रीम कर दो, इतने बालों को भी आप 5 मिनट में हार्डली 5 मिनट्स में आप क्रीम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका हाइट भी, किसी को सिर्फ ऐसे ही हाइट में वेरिएशन चाहिए, तो फ्रंट वेरिएशन लेके ये बालों में हाइट आ गया, यहाँ पे आप कूलिंग दो और नीचे से कर्ल्स कर दो, है ना,
सी यहाँ पे हमने इस तरह से पुलिंग दिया और यहाँ पे डाउन में कर्ल्स कर दिए तो भी अच्छा लगेगा, बट कर्ल्स कैसे, एक एक सेक्शन में कर्ल्स नहीं करना, हर दो से तीन लेयर लेके कर्ल्स करना इस तरह से। फर्स्ट सेक्शन कर्ल्स किया ताकि वॉल्यूम दिखे, नहीं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। फर्स्ट सेक्शन कर्ल्स किया, सेकेंड सेक्शन कर्ल्स किया, जितना सेक्शन होते हैं ना तीन से चार सेक्शन में फिर कर्ल्स करो तो इनके हायर में वॉल्यूम भी दिखेगा और हाइट भी। तो ये आप रिसेप्शन ब्राइड को, एंगेजमेंट ब्राइड को दे सकते हो, वेडिंग कैथलिक ब्राइड है तो उनको भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आप इनका क्राउन लगा दो, क्राउन जब भी आपको लगाना है तब थोड़ा सा पोनी हाइटेड ही लो क्योंकि आगे क्राउन आएगा तो आपका हाइट दिखे नहीं आएगा, क्राउन को सपोर्ट मिलेगा तो पोनी थोड़ा सा यहाँ पे हाइट में लेंगे। ठीक है, गॉट इट। एक वेरिएशन जो अब तक हमने किया है पोनी में, कल हमने ओपन में पुलिंग किया था वैसा नीचे आप कर्ल्स कर सकते हो। ये मैं बाद में दिखाती हूँ आपको ये वाला भी कंप्लीट करके वेरिएशन, बट आज भी जो मैं वेरिएशन स्टार्ट कर रही हूँ वो पहले दिखा देती हूँ। अब हम वर्क करते हैं फ्रंट सेक्शन से, फ्रंट वेरिएशन में सबसे पहले वापस से रिपीट करती हूँ। सबसे पहला क्या सेक्शन था, ईयर टू ईयर सेक्शन, हाई पोनी बनाया, पोनी को लॉक किया, नीचे स्टफिंग अटैच किया, फर्स्ट फ्रंट वेरिएशन और फिर बैक वेरिएशन, पर्फ सेक्शन इसमें नहीं होता है। गॉट इट। अभी या तो हम पूरा इनको वन साइड ले सकते हैं वेस्टर्न है तो, या पूरा इनका अप ले सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इनको मिडल सेक्शन भी ले सकते हैं, थोड़ा ऊपर नहीं, यहाँ पे हम कैथलिक ब्राइड रहते हैं ना उनको मिडल सेक्शन भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली वो लोग करवाते हैं मिडल सेक्शन। तो अभी हम पूरा वन साइड लेते हैं फिर पूरा अप लेते हैं, दो अलग अलग वेरिएशन हम यहाँ पे सीखते हैं। फर्स्ट में मैं साइड वेरिएशन ले रही हूँ, साइड वेरिएशन लिया, उसके लिए सबसे पहले वर्क करना है हमें मिडल सेक्शन, बॉक्स सेक्शन। अब ये बॉक्स सेक्शन तो लिया है बट मैं अगर मैं फुल अप लूंगी तो इज इट सूट करेगा, नहीं करेगा क्योंकि इनका फॉरहेड बड़ा है, तो हमें क्या करना रहेगा, फॉरहेड बड़ा है तो एक सेक्शन निकाल के डाउनवर्ड कर सकते हैं, सी फॉर्म बना सकते हैं, एस फॉर्म बना सकते हैं, एनीथिंग जो हमें चाहिए वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही डालूंगी तो फ्लैट लुक हो जाएगा, हल्का सा बाउंस करूंगी तो फेस पे सूट किया। तो ये होता है फेस स्ट्रक्चर, किस तरह से आपको उसको फेस को फ्रेम करना है। अब यहाँ पे हाइट क्रिएट करनी है तो जिस तरह से हम हाइट क्रिएट करेंगे, अब मुझे पूरा साइड सेक्शन लेना है तो मेरी बैक को में साइड एंगल सिर्फ रूट बैक कॉमिंग करनी है, वन सेक्शन पूरा क्रॉस और साइड बैक कॉमिंग। वन टू थ्री सी फुल है, वन स्ट्रॉक साइड में लिए, अब इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं, शाइन स्प्रे हल्का सा एक टर्न, वन टर्न एंड यहां से थोड़ा सा फुल ऊपर उठा के हल्का सा यहाँ पे स्प्रेड, फर्स्ट सिंपल रखो या फिर पुलिंग करनी है तो पुलिंग करो। सिर्फ और सिर्फ यूपिंग की हेल्प से हम इसको पुल कर रहे हैं, एक एक सेक्शन पकड़ रही हूँ, यूपिंग डाल रही हूँ एंड पुल कर रही हूँ।
यहाँ पे ये सेक्शन हुआ कंप्लीट। अभी इसको पहले लॉक कर देंगे। हर एक सेक्शन को हाथ से प्रेस करना है। अब इसके बाद यहां का सेक्शन, ये साइड का सेक्शन, इसको अभी ये कौन सा एंगल है, यहां पे तो हमने क्रॉस लिया, ये अगेन इस तरह से क्रॉस है, इसको बैक कॉमिंग यहां से क्रॉस, जो एंगल है उसी एंगल में उनको बैक कॉमिंग करना है। जस्ट रूट बैक कॉमिंग एंड हार्ट स्प्रिंग। One twist and pin. Okay. और full one side लेना है, यहां के भी hair को हम, या आप इस तरह से लो या फिर फुल वन साइड। वेस्टर्न में वन साइड बहुत सूट करता है, बट अकॉर्डिंग टू फेस आपको वन साइड लेना है। यहाँ पे भी सेम, जैसे बाल है वैसे ही डायरेक्शन में पकड़ के सिर्फ रूट बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग कोई भी आपकी आउट नहीं होनी चाहिए। हल्का सा यहां से थोड़ा सा नीचे स्प्रेड और इसको इसी के लेवल पे ऊपर लेंगे। डन विथ मर्जिंग, एग्जैक्ट मर्ज होना चाहिए और फिर पुल करते हैं। आप यहाँ पे भी यहां तक हेयर आए हैं फुल, यहाँ पे भी इसको ट्विस्ट करके
एस फॉर्म, फुल वन साइड लेना है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर बच गए हैं उसको अंदर डाल देंगे स्टफिंग के। अभी ये वाले दो तीन अलग अलग आप वेरिएशन कर सकते हो। लाइक फर्स्ट हमने सिंपल पुलिंग सीखा था, इनके फर्स्ट ट्रेडिशनल में सिंपल पुलिंग करो, वन टू आर्म्स को नीचे लॉक कर सकते हो। ट्विस्टिंग सीखा है, वन ट्विस्ट है तो इक्वली फर्स्ट डिवाइड कर देते हैं, वन आपको फोर वे ब्रेड आती है, ऑपोजिट ब्रेड आती है, ट्विस्टिंग टेक्निक आती है, पुलिंग टेक्निक आती है, जितने टेक्निक्स आती है सब आप इसमें स्ट्रेट स्ट्रेट बालों पे ले सकते हो। सारे बालों को आप यूज कर सकते हो, कोई भी एक ही वेरिएशन करना है। ठीक है, एक दो तीन चार सेक्शनिंग कभी भी आपको एकदम ऊपर से लेनी है। एक लीफ सिखाया था आड़ा क्रॉस में, वो आप स्ट्रेट स्ट्रेट में लीफ बना सकते हो।
तब जितने आपके ट्रेडिशनल में वेरिएशन हुए हैं, जितने आपके वेरिएशन आ सकते हैं, आप सारे के सारे वेरिएशन इसमें डाल सकते हैं। फ्रंट कोई भी दो, बैक आप एनी वेरिएशन बैक में आप कर सकते हो। यहाँ पे हो गए मेरे सेक्शनिंग इक्वली डिवाइड। अब हम एक वेरिएशन नहीं, अलग अलग वेरिएशन में वर्क करते हैं। एक में मैं ओपोजिट ब्रेड करके दिखा रही हूँ, एक में आप ट्विस्टिंग करके दिखा रही हूँ। तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेना और उसको पूरे सेक्शन में आप वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही दिखाओ ना अलग अलग की, एक ही पूरा दिखाओ, अलग अलग दिखाओ तो आपको भी आइडिया आएगी, अलग अलग सीखने भी मिलेगा किस तरह से वेरिएशन ले सकते हैं। फर्स्ट ट्विस्टिंग स्टार्ट करते हैं यहां से। ट्विस्टिंग में कैसे होता है, कोई भी एक साइड ट्विस्ट कर सकते हो, एनी राइट साइड, सारे वेरिएशन को राइट में ट्विस्ट कर सकते हो, सारे वेरिएशन को लेफ्ट में ट्विस्ट कर सकते हो, सारे वेरिएशन को लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट करके ट्विस्ट कर सकते हो। हमारे ऊपर है, हमें एक एलिमेंट आएगा तो हम उसको किसी भी तरह कन्वर्ट करके तीन से चार वेरिएशन में डिवाइड कर सकते हैं। यस मैम, अलग अलग दिखाइए। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हम ट्विस्टिंग टेक्निक लेते हैं। जो हमने क्रॉस ट्विस्टिंग साइड से ट्विस्टिंग लिया था वो हम ऊपर से ट्विस्ट करते हैं। वन टू ट्विस्टिंग देखो मेरी बड़ी बड़ी ट्विस्ट हो रही है। सी यू कैन सी फर्स्ट ट्विस्ट, सेकंड ट्विस्ट, प्रॉपर विजिबल है ट्विस्टिंग मेरी, विजिबल होनी चाहिए। और फिर सिर्फ यहाँ पे पुल, सी इतनी पुलिंग में भी वो एस फॉर्म क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि मेरा ट्विस्ट एकदम लूज ट्विस्ट था और दूर दूर। अब मेरी पिन देखो, एक पिन मैंने यहाँ पे की, एक पिन को मैं यहां से ट्विस्ट कर रही हूं। प्रॉपर फिनिशिंग, कुछ भी आजू बाजू के हेयर ऊपर आए हैं नहीं। अब यहां पे करने के पहले आपको दूसरा ट्विस्ट कर लेना है ताकि ये ट्विस्ट लॉक हो सके। फिर तो पहला ट्विस्ट के लिए मैंने दो ट्विस्ट किए। अब ये ट्विस्ट को उठाने के पहले सी विजिबल हुआ ये ट्विस्टिंग एग्जैक्ट। अभी यही ट्विस्ट को मैं सिर्फ मिडल से पकड़ के सी अब फर्स्ट यू पिन का डायरेक्शन यहां पे एंड सेकेंड यू पिन का डायरेक्शन ये पूरा सेक्शन पकड़ के इधर। जितना सेक्शन मैंने सिर्फ पुल किया है वही सेक्शन आपका यू पिन में आना चाहिए। आजू बाजू के कोई भी हेयर यू पिन के अंदर नहीं आने चाहिए। अभी यहाँ पे है जूम ठीक है ना? और नहीं ना थोड़ा कर दे जूम। अगेन सी पहला यहां से, दूसरा ये जो एंड है उसको यहां से। तो फर्स्ट जितना स्प्रेड किया है यहां पे पिन, सेवन नंबर की यूपिन इज द आइडियल। आपको पूरी यूपिन को अंदर नहीं डालनी है, जितनी यूपिन बाहर रहेगी आपको स्पेस मिलेगी उतना आप उसको बाहर खींच सकते हो। राइट, गॉट इट। कितने नीचे तक लेना है ये जो आपका एंड पार्ट है वहां तक। परफेक्ट।
अब इसको नीचे ट्विस्ट करेंगे। इसको लॉक करने के पहले आपको एक ट्विस्ट करना है ताकि ये पार्ट लॉक हो जाए, और फिर नीचे से ऊपर यूपिन डालो। यूपिन के साथ में लूज ना हो इसीलिए बॉबी पिन डालेंगे, या फिर यूपिन से होल्ड करके रखो, फिर थोड़े सेक्शन जमा हो जाए, ट्विस्ट करो और स्टफिंग के अंदर डालना है। दो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हार्ट स्प्रे किस तरह से करोगे, जो सेक्शन नीचे है उसको यहां से, जो सेक्शन ऊपर है वहां उसको यहां से। दिस इज योर हार्ट स्प्रे टेक्निक। हाँ, अभी यहाँ पे इसके बेबी हेयर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये यूपिन जस्ट निकालूंगी, हार्ट स्प्रे तो हो चुका है, प्रेस करूंगी ताकि बेबी हेयर अंदर चले जाए, सारे के सारे स्टिक हो जाए, और वापस से जो एंगल में यूपिन थे वो एंगल में यूपिन को डाल दूंगी। गॉट इट। फर्स्ट मैंने कौन सा, राइट टू लेफ्ट, अब लेफ्ट टू राइट। अब ये जो फर्स्ट वेरिएशन मैंने किया है वही सारे बालों में, आपको सारे सेक्शन में राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर आपको अपोजिट करना है तो पहला ही ट्विस्ट लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट, हाँ वो भी कर सकते हो। अभी तीसरा वेरिएशन, एक मैंने राइट किया तो एक मैं लेफ्ट करूंगी, ये हम देखते हैं। लेफ्ट वाला नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो इसमें ही आ जाएगा आपका लेफ्ट किस तरह से करना है। और तीसरा ऑप्शन, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, थर्ड वेरिएशन। ओके, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं, गॉट इट। बट मैंने जैसे किया, कोई भी एक ही वेरिएशन लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए तीन वेरिएशन आपने राइट लिया और चौथा लेफ्ट राइट पे चालू हो गए, नहीं। जो माइंड में है, अगर मेरे को पूरा सेक्शन राइट में टर्न करना है पूरा सेक्शन राइट करो, पूरा सेक्शन आपने सोचा है मैं लेफ्ट में टर्न करने वाली हूँ, पूरे सेक्शन को लेफ्ट, आपने सोचा है लेफ्ट राइट करना है तो पहला राइट फिर लेफ्ट, पहला राइट फिर लेफ्ट, राइट फिर लेफ्ट, ओके। ऑपोजिट, इस तरह का ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, ये आउट ये आउट, अंदर मिलने चाहिए दोनों सेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लेते हैं अभी पूरे सेक्शन को, हम क्या करते हैं, ये जो मैंने वेरिएशन सिखाया ये आपने आप ट्रेडिशनल बन के ऊपर भी कर सकते हो, सिर्फ उसमें फर्क क्या होगा, फ्रंट अलग होगा, पफ होगा, पफ के नीचे आपका जो छोटा बन है उस पे आपको ये बनाना है। ये मैंने ऊपर से लेके नीचे तक वेस्टर्न लुक के लिए काम किया है, गॉट इट। अब मैं यहाँ का सेक्शन ले रही हूं, अभी सारे सेक्शन हम लेफ्ट टू राइट लेंगे। आपको इस पे शाइन स्प्रे दोनों साइड प्रॉपरली जाना चाहिए, एक भी हेयर बेबी हेयर इसमें रह गया तो आपका जब कूलिंग करोगे तब भी बेबी हेयर तुरंत आउट हो जाएंगे। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन है, सिर्फ रैंडम मैंने कूलिंग करके रखा। अब हम इसको फिनिशिंग के साथ में यूपिन डालेंगे। आप इस तरह से भी एक 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 आपको नहीं जम रहा है तो आप इस तरह से पहले रैंडम कूलिंग करके रख दो, सी अब जो सेक्शन में कूलिंग है, सी अब मुझे उसको सिर्फ फिनिशिंग में
सेवन नंबर यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। सी एक ही लाइन में दोनों आई है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी एक लाइन में दो है, जो यहाँ पे आई वही यहाँ पे। दोनों मिल रहे हैं ना एक साथ। जब अपोजिट करते हो तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि दोनों साइमल्टेनियसली एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन से आना है तो एक ये डायरेक्शन से आना चाहिए। अभी हार्ड स्प्रे करते हैं। एक 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 किया, ये मैंने एक साथ करके दिखाया, फिर सिर्फ यूपिन से मैंने उसको एडजस्ट करके फुल कर दिया थोड़ा सा, तो भी सेम आया। दोनों टेक्निक अपने अपने जगह पे करेक्ट है, बस फिनिशिंग आनी चाहिए। फटाफट से टेस्ट करो, रैंडमली दो चार पुल करके नीचे होल्ड करो और फिर यूपिन से आप उसको हाइड करो तो भी आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में यही टेक्निक आपको काम आएगी। एक बार आपका हाथ बैठ गया ना, फिर आप एक 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 करके फिनिशिंग से कर सकते हो। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएशन डन। अभी नेक्स्ट वेरिएशन करो, यही आपको कंटिन्यू करना है। आपके टोटल तीन पैर में आपके काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तीन, बस उसे ज्यादा नहीं लेने का, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा आठ, अगर छोटे छोटे ले रहे हो तो आठ, मतलब चार पैर। यहाँ पे अभी ऑपोजिट ब्रेड बनाते हैं। समझ में आया ना कि कंटिन्यू करूं यही वाला वेरिएशन, समझा ना? कंटिन्यू नहीं चाहिए ना। ऑनलाइन में आप लोग जुड़े हो, उन लोगों को कंटिन्यू एक ही वेरिएशन चाहिए या अलग अलग चाहिए? सिंपल, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ अच्छा यूनिक स्टाइल देना है तो भी आप ये वेरिएशन से दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक सेक्शन सिर्फ ऊपर से लीव कर रही हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेड बना के रख देंगे। टाइट ब्रेड बना के रख दो। बहुत सारे वेरिएशंस है जो आपको अगर एक एलिमेंट आते हैं ना तो आप कहीं पे भी उसको वेस्टर्न में, ट्रेडिशनल में कैसे भी डाल सकते हो। एक सेक्शनिंग आना जरूरी है, एक एलिमेंट आना जरूरी है। ये जो ट्विस्ट करके पुल किया इसको बोलते हैं एलिमेंट, और जो सेक्शन किया मतलब फ्रंट सेक्शन अलग किया, पफ के लिए वेस्टर्न के लिए हाई पोनी बनाया उसको बोलते हैं सेक्शनिंग। ये दो चीजें अगर आप आ गई किसी वेरिएशन को किस सेक्शन में डालना है और एक एलिमेंट, तो आप कोई भी वेरिएशन को मॉडिफिकेशन करके किसी तरह से भी ले सकते हो। तो ज्यादा फोकस आपको वेरिएशन से अलावा एलिमेंट सीखने पे करना है। फिनिशिंग के साथ एलिमेंट सीखो और सेक्शन सीखो। कभी भी कोई नया हेयर स्टाइल आएगा तो क्या एलिमेंट तो सेम रहेगा,
उसका सेक्शन अलग हो जाएगा बस। किसी को नीचे से ऊपर लिया रहेगा, किसी को ऊपर से नीचे लिया रहेगा, किसी को साइड से लिया रहेगा। एक ही एलिमेंट को हमने साइड से भी सीखा है, ये हमने ऊपर से नीचे सीखा। यहाँ पे ये किया, इसको हम ऊपर फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे अभी लेते हैं अपोजिट ब्रेड, तीन इक्वल सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं। एक फ्रंट में मैंने स्ट्रेट ब्रेडिंग सिखाई थी, स्ट्रेट ब्रेडिंग में हमने सीधा ब्रेड करके स्प्रेड करके तीन तीन पिन की थी, फ्रंट वेरिएशन याद है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। वही हम फ्रंट ले सकते हैं, वही हम बैक ले सकते हैं, वही हम पफ में बना सकते हैं, घूम फिर के वही वेरिएशन सिर्फ नाम ही अलग होते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट ब्रेड मतलब तीन सेक्शन किए और ऑपोजिट नीचे से वन टू वन उल्टा ब्रेड। जितना अच्छा ये आपका राउंड में स्प्रेड होगा विद फिनिशिंग, उतना अच्छा ये लुक देगा। आप ये फ्रंट में भी बना सकते हो, ये हमने बैक में सीखा आज। सी स्प्रेडिंग के लिए यहाँ से बीच से पकड़ के इसको ऊपर की साइड लेना है, यहाँ से पकड़ के इसको भी ऊपर की साइड, नीचे खींचोगे सामने खींचोगे तो ये लुक नहीं आएगा। ये पूरे सेक्शन को बीच में पकड़ के ऊपर, ये पूरे सेक्शन में से बीच में से पकड़ के अपवर्ड। यहाँ पे ये जो मैंने ली है ब्रेड बनाई थी, इसको हम बीच में सेट कर देंगे, प्लेन लो या फिर इस तरह से इसके ऊपर डाल के भी आप वेरिएशन को चेंज कर सकते हो। इनविजिबल छोटी लेके इसको यहाँ पे एकदम मिडल में हिले नहीं, इसीलिए मिडल में इसको परफेक्टली इसको हार्ड स्प्रे से लॉक कर डन। ठीक है, गॉट इट। ऑपोजिट ब्रेड, अभी जस्ट ट्विस्टिंग टेक्निक, इसमें पूरे में मैं एक ट्विस्ट टेक्निक सिखाती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको कर्ल्स करके भी डाल सकते हैं। इतने इतने बालों को लिया, टॉन्ग मशीन लो 22 नंबर का, कर्ल्स करो और ऐसे ही कर्ल्स खोल के सेट कर। या दूसरा ऑप्शन, इस तरह से मैंने सेक्शन लिया है, स्मॉल साइज की बॉबी पिन लेनी है या बड़ी साइज की, जैसे ग्रोथ है उस हिसाब से आपको हेयर पिन लेनी है, बॉबी पिन। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिया जस्ट ट्विस्ट पिन, ट्विस्टिंग जो हमने कल ट्विस्टिंग टेक्निक सीखी है वही यहाँ पे पकड़ा, फर्स्ट फिंगर मेरे नीचे, सेकेंड ऊपर, ट्विस्ट अंदर की साइड, यहाँ पे पकड़ना है अंदर की साइड, ट्विस्टिंग। ठीक है, पकड़ो,
फिर वापस से यही हेयर को लेना है ट्विस्ट, ठीक है। मैम इसको अगर पुल करेंगे तो वो जैसे जैसे क्या वैसे बन जाएगा? नहीं, पुल नहीं करना है, ये प्लेन सीरीज ही है। जितना प्लेन में करोगे ना उतना लुक अच्छा आएगा। वापस से लिया, जस्ट होल्ड, ट्विस्ट, ट्विस्टिंग पकड़ के रखना है यहाँ पे डाउनवर्ड एंड नीचे से बॉबी पिन दिखनी नहीं चाहिए। अगेन यहाँ पे पकड़ा, ट्विस्ट। अब मैं यहाँ पे नीचे नीचे कर रही हूँ, आपको ज्यादा टाइम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फटाफट करना है इसलिए मैंने उसको नीचे नीचे लिया, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग में रहना है, तो इसी तरह से हल्का सा वैसे ही। पूरा का पूरा वेरिएशन सिर्फ ट्विस्टिंग पे डिपेंड है। फर्स्ट सेक्शन, अभी सेकेंड। यही वेरिएशन के लिए स्पेशली बाल बहुत कम चाहिए, पतले बाल रहेंगे या ग्रोथ नहीं रहेगा उस पर बहुत अच्छा फ्लैट भी अच्छा बनेगा और ट्विस्टिंग के लिए इतने बाल भी नहीं चाहिए इसमें। मेन इसमें आपका जो नीचे का स्टफिंग है बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, जिसमें आपकी पिन जाए, हार्ड रहेगा तो पिन ही नहीं जाएगी। क्रिम्पिंग करनी चाहिए। इसमें आपका क्रिम्पिंग नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। से फ्लैट में भी हो जाएगा क्योंकि ना पुलिंग है नथिंग, डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें आपकी क्रिम चाहिए, इसमें भी आपकी क्रिम चाहिए। और ये एक ही डायरेक्शन होगा, इसमें कोई डायरेक्शन में वर्क नहीं करना, सारे को सबको यहां से यहां पे लेना है।
है, समझा? यहाँ पे जितने भी हेयर है यहाँ से जो स्टफिंग पे मैंने यूपिन डाली थी वो निकाल दी, ये जो टर्न हुआ उसको मैंने स्टफिंग के अंदर डाल दिए बालों को, और फिर स्टफिंग को पकड़ के इसको लॉक कर दिया। सारे हेयर को अंदर डाल देना है। स्टफिंग को ये डाला यूपिन, फिर ये बालों को यहां से लेके अंदर। अब लास्ट सेक्शन के बाद फिर इसके नीचे से चले गए, बाकी जो है एक्स्ट्रा वो तो चले गए अंदर। मस्त मैम। सारे अलग अलग है इसलिए थोड़ा एनिमल दिख रहा है, एक ही जब करोगे आप पूरा का पूरा लुक बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी क्या वेरिएशन करूं बताओ, यहाँ पर एक सेक्शन बचा है। यहाँ पे जैसे हमने सिंगल सिंगल ट्विस्ट किया, वन ट्विस्टिंग में वर्क किया, तो यहाँ पे डबल ट्विस्ट में वर्क करेंगे। डबल ट्विस्ट ऊपर नीचे दोनों जगह पे शाइन स्प्रे करो। इसको दो सेक्शन में डिवाइड, मिडल सेक्शन से दो सेक्शन में डिवाइड, और जस्ट ट्विस्ट इट, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। अब इसको क्या करेंगे, इसको दो ऑप्शन कर सकते हो, या सबको स्प्रेड करो, एक एक सेक्शन को इस तरह से खींच के स्प्रेड करो, या फिर डबल किया है तो डबल एक पुलिंग की जगह पे हम इसको दो पुलिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे वो दिखे, सी दिख रहे यहाँ पे थोड़ा, हाँ थोड़ा सा डाउन, यहाँ पे एक सेक्शन यहाँ पे दो, मोटा सेक्शन है डबल पुलिंग है इसीलिए डबल ट्विस्ट है। सी वन सेक्शन को ये साइड जो हमने फ्रंट पे किया था अगर आपको याद हो तो, याद आया फ्रंट पे किया था अपोजिट डायरेक्शन में एक ही सेक्शन में दो पुलिंग किया था, और यही हमने आज बैक में भी किया। यहां से हाफ सेक्शन पकड़ के नीचे की साइड में, हाफ सेक्शन को पकड़ के ऊपर की साइड में, और यूपिन का डायरेक्शन ऑब्वियसली ऊपर पकड़ा है तो ऊपर की साइड से, नीचे खींचा है तो नीचे की साइड में चाहिए। ये भी बहुत अच्छा दिख जाएगा वेरिएशन। अच्छा लग रहा है? सिर्फ इसका लुक आपका पुलिंग अच्छा रहेगा ना तो मस्त दिख जाएगा। इसमें भी ये ऊपर है ये नीचे है, ऊपर है ये नीचे, अप डाउन अप
यहाँ पे मैंने डाला, ये मेरा स्टफिंग है। क्या करना है, ऑलवेज स्टफिंग को लेके अंदर डालना है ताकि प्रॉपरली हेयर अंदर रह जाए। यहाँ पे अब सारी पिंस निकाल देते हैं। ये जो हमने पुलिंग किया है राइट, इसको आपको क्या करना है, कोई भी एक जगह पे इसको इनविजिबल से फिक्स कर देना, वही लाइन में वो स्टिक रह जाए। यहाँ पे स्कल्स कर दो या फिर इसी तरह से इसको ओपन लुक चाहिए, फ्रंट के साथ अलग अलग ट्विस्टिंग टेक्निक, अपोजिट ब्रेक, फ्लैट ट्विस्टिंग, डबल ट्विस्ट में दिस, बस कुछ भी करो विद द फिनिशिंग, आपको ये वेरिएशन करना है। ओके चलो, ये वीडियो सेव करते हैं और नेक्स्ट वापस से स्टार्ट करते हैं।